शांति। बाबा ने, प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष साधना को तीव्र करने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में उच्च श्रेणी के अनुभव हमें तभी हो सकते हैं जब बेहद के वैराग्य वृत्ति की गहराई से हमें अनुभव होती है। क्योंकि जितना बेहद का वैराग इस संसार से हमें अनुभव होता है, उतना परमात्मा से अनुराग स्वतः ही हमें अनुभव होता है। तो इसलिए इस पुरानी दुनिया से सर्वप्रथम हमें वैराग्य की अनुभूति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय की जो पुकार है उसके अनुसार हमें हर हालत में साधना को तीव्र गति से आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर हम स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं और बाबा के सेवा में बेहद रीति से मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए वैराग्य की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। तो हमें ये दिल से, इस वर्ष खास दिल से अनुभव करना है कि इस दुनिया से जो है मुझे किसी भी प्रकार की आशाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, ऐसी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें संसार की इच्छाएं अनुभव होती हैं, तब तक बुद्धि हमारी इसी में ही व्यस्त रहती है, और जैसी जैसी बुद्धि हमारी यहां से हटने लगती है, किनारा करने लगती है, वैसे वैसे बाबा के समीपता की अनुभूति हम करते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम ये हमें देखना है, वैराग्य वृत्ति को अच्छी तरह से अनुभव करना है, तो विशेष तीन बातों का हमें वैराग अनुभव होना जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने देह से वैराग होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जो प्यार, सबसे जास्ती प्यार जो है अपने स्वयं के देह से होता है। तो इसलिए देह से वैराग अनुभव होना यह सबसे पहला कदम है, और उसके लिए हम अपने देह को जो है केवल साधन समझे या वस्त्र समझे। तो ये वस्त्र जैसे पुराना होता है तो हम उतारते हैं, नया पहनते हैं, इसी तरह से जब हम इस देह को भी वस्त्र समझते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो ममता है या मोह जो है इस देह से हटने लगता है। क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम स्वयं को वस्त्रधारी समझते हैं, तो हम स्वतः ही शस्त्रधारी स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। मुझ आत्मा ने ये वस्त्र धारण किया है, ऐसी अनुभूति हमें स्वतः होती रहे, हमेशा होती रहे, तो स्वतः ही दिव्य शक्तियों का, अस्त्रों का अनुभव हम जीवन में कर सकते हैं। तो इसलिए स्वयं के देह को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाते चलें, तो स्वतः ही देह से उपराम वृत्ति हमारी अनुभव होने लगती है। दूसरी बात है,
देह के पदार्थ तथा देह के संबंधों की भी वैराग वृत्ति की अनुभूति होना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान समय हमारे पास में साधनें बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हैं, भौतिक पदार्थ जो है इस संसार के उपलब्ध हैं, क्योंकि इस ड्रामा में हम बहुत रॉयल पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी आत्माएं हैं, उन्हों को सारे कल्प में सभी प्रकार के साधन जो है उपलब्ध होते ही हैं और वर्तमान समय भी हमें उपलब्ध हैं। लेकिन ये नियम है, जितना साधनों में हम लिप्त होते हैं उतनी साधना हमारी कम होने लगती है, ये इस संसार का नियम है। इसलिए साधनों का प्रयोग करते हुए या पदार्थों का प्रयोग करते हुए उससे न्यारा स्वयं को अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सोचना है कि भौतिक जो साधन है उससे जो भी प्राप्ति हमें होती है वो अल्पकाल की ही प्राप्ति होती है, क्षण भर की प्राप्ति ही हमें होती है, सदा काल की प्राप्ति इन साधनों से हमें नहीं होती है, क्योंकि ये साधन जो है ये विनाशी साधन है। और वैसे भी अगर हम देखते हैं जो संबंध हमारे हैं, लौकिक अलौकिक संबंध जो है उसमें से भी हमें न्यारा होना है, हमेशा समझना है कि ये तो संसार जो है एक धर्मशाला की तरह है। इस धर्मशाला में हम आते हैं यात्री की तरह, एक जगह समझो थोड़े समय के लिए जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं, बाद में हर एक जो है अपने अपने स्थान पर चला जाता है। तो ऐसी बेहद की धर्मशाला में हम स्वयं को यात्री समझते हैं, तो जो भी हमारे संबंध है उनसे स्वतः ही बुद्धि हमारी हटने लगती है। तो जितना जितना इस संसार से, भौतिक साधनों से और पदार्थों से और संबंधों से हम किनारा करने लगते हैं, तो बुद्धि जो है यहाँ से हटने लगती है और संसार जैसे कि एक हमें असार संसार लगता है। असार संसार जब लगता है अनुभव, तभी बुद्धि हमारी परमात्मा के तरफ हटने लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा कृष्ण जो है ग्लोब पर बड़े ठाट से बैठे हैं, ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति का यादगार है। बाबा अपना पार्ट बजाते हुए इस संसार से एकदम वैराग वृत्ति या विरक्त भाव जो है उन्हों का हर क्षण वो अनुभव करते थे, उसके कारण ग्लोब पर कृष्ण को बिठाया हुआ दिखाया है। तो जब इसी तरह से हमें ग्लोब पर खड़े होकर स्वयं को पूछना है कि क्या इस संसार से मुझे कुछ चाहिए, क्या इस संसार से मुझे कुछ चाहनाएं अभी तक भी हैं, तो अंदर से जवाब हमें मिलता रहे कि नहीं, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अंदर से जब हमें अनुभूति होती है या अंदर से आवाज जब होती आवाज सुनाई जब आता है, तो स्वतः ही हमारा मन जो है यहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है, बुद्धि रूपी लंगर जो है इस संसार से उठने लगता है। तो ये अनुभूति हम बार बार करते रहे, स्वयं को पूछते रहे और बार बार ऐसा अनुभव करें कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। योग में गहराई के अनुभव करना अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा हम स्वयं से बात करते रहे, पूछते रहे कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि इतना हमने सारा ड्रामा क्लब में जो है पार्ट बजाया, ड्रामा में पार्ट बजाया, अनेक आत्माओं के साथ में, प्रकृति के साथ में हमारे हिसाब किताब है, तो ऐसा हम एकदम कैसे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये अगर चाहें तो अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा अभ्यास आपको करना है। कौन सा अभ्यास करना है कि मैं आत्मा जब परम धाम से इस धरती पर आ रही थी, देवता का जो शरीर है वो लेने के पहले ही जब मैं आत्मा इस धरती पर आ रही थी, यहाँ रुक जाइए और फिर स्वयं से स्वयं की स्थिति को आप देखिए कि उस समय जो है मैं सारे संसार से एकदम डिटैच थी, किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, वैभव के साथ, प्रकृति के साथ मेरा हिसाब किताब नहीं था। सर्व खजानों से, सर्व संपत्तियों से मैं धनवान संपूर्ण थी, लेकिन सबसे मैं न्यारी थी। वो आप बार बार क्षण जो है उसको पुनः
रिपीट करते रहिए, और ऐसी स्थिति जो है मैंने अनेक बार अनुभव की है, ऐसा बार बार अनुभव करने से इस दुनिया से न्यारा अनुभव करना सहज होता जाएगा। तो ऐसा हम देखते रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय ब्रह्मा बाबा कर्मातीत स्थिति के समीप थे, उस समय बाबा अपना कारोबार सब कुछ संभालते थे, लेकिन उससे जैसे कि एकदम डिटैच थे, बाबा के नैनों से जैसे कि विरक्त भाव, जैसे कि स्पष्ट अनुभव होता था। बाबा स्थूल रीति से यहाँ हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति से जैसे कि बाबा परम धाम में, बाबा के पास में विराजमान हैं, ऐसा अनुभव होता था। तो कहने का भाव मेरा यही है कि इस वर्ष हमें किसी भी हालत में वैराग वृत्ति को इमर्ज करना है। इमर्ज करते 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 जैसा जैसा वैराग वृत्ति का झरना हमारे मन में या बुद्धि में बहने लगता जाएगा, वैसे वैसे हमारा परमात्मा के प्रति प्यार जो है स्वतः ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम प्रवृत्ति में है, गृहस्थी में है, साधनों में है, इसमें रहते हुए भी बहुत अच्छी तरह से इस अनुभूति को इस वर्ष बढ़ाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो साधना है वो साधना हमारी तीव्र गति से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये हम ध्यान ध्यान में हमेशा रखें कि साधना को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बुद्धि को इस संसार से किनारा करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुद्धि जैसे जैसे यहाँ से हटती है तो बाबा की तरफ जुटती है, ये नियम ही इस संसार का है। तो सबसे पहले वैराग्य की वृत्ति जैसे अनुभव होती है तो उसके जो उपलब्धियां हमारे जीवन में हैं वो एकांत वृत्ति का बढ़ना और एकाग्र चित्त का बढ़ना, ये हमें अनुभव होता है। इतनी वैराग्य वृत्ति की अनुभूति होती है तो स्वतः ही हम एकांत प्रिय बनते जाते हैं और एकाग्र चित्त बनते जाते हैं। क्योंकि एकाग्रता भंग होने के लिए विशेष दो बातें हैं। जब भी हम एकांत में बैठते हैं, साधना करने के लिए बैठते हैं, तो साधना करते समय एकाग्रता भंग होने वाली जो दो बातें हैं वो कौन सी हैं, क्या कहेंगे? जब हम एकांत में बैठते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि एकाग्रता को दूसरी तरफ जैसे कि हट जाती है, एकाग्र चित्त से जैसे कि दूर हट जाते हैं, वो दो बातें विशेष है, वो कौन सी हैं? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाती है। व्यर्थ की तरफ भी, व्यर्थ के संकल्प भी हमारे मन में क्यों चलते हैं, उसका भी मूल आधार क्या है? विशेष दो बातें। अंतर आत्मा में आप गहराई से पहुंचेंगे तो दो बातें आपको निरीक्षण करने के बाद पता चलेगी। कोई व्यक्ति या चीज अच्छी लगती है वहां बुद्धि जाएगी, या किसी न किसी प्रकार की इच्छा होगी। तो इच्छा और अच्छा, ये दो शब्दों को हमें जीवन रूपी डिक्शनरी से हटा देना है। इच्छा कोई हमारी है इस भौतिक दुनिया की, तो इच्छा की पूर्ति जब तक होती नहीं है तब तक हमारा मन जो है या बुद्धि जो है भटकने लगती है, और जब पूरी हो जाती है तब वहां से किनारा करने लगती है। लेकिन मनुष्य का एक टेंडेंसी हो चुकी है कि वो इच्छा एक पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा उसके मन में पनपने लगती है। कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इसलिए हमारे मन में ऐसी किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, ये गहराई से हम चेक करें। और अच्छा कोई भी व्यक्ति या वैभव या चीज हमें अच्छी न लगे, उसके लिए हम ये ध्यान रखें कि सबसे संसार में जो है अच्छे से अच्छा बाबा है वो हमें मिल गया है, तो किसी भी प्रकार का अच्छा जो है हमारे जीवन में लगने वाली बात नहीं है। तो ये गुप्त गहराई से चेकिंग हमें एकांत में बैठकर करना है। तो जितनी जितनी चेकिंग हमारी होती जाएगी तो ऑटोमेटिक बुद्धि हमारी जो है इस संसार से हटती जाएगी, स्वतः ही हटती जाएगी, किनार करती जाएगी। और फिर जैसे जैसे हम देखेंगे कि बाहर मुक्ता की जो वृत्ति होती है वो अंतर मुक्ता की इसमें परिवर्तन होती है। योगी जो होते हैं, योगी का आसन जो है हमेशा, योगी कहाँ बैठ, विशेष स्थान पर, विशेष आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। तो योगियों के लिए गाया गया है कि अंतर मुक्ता की गुफा में योगी बैठकर हमेशा तपस्या करते हैं।
अर्थात बाहर मुक्ता की जो वृत्ति हमारी है वो जब समाप्त होती है तो अंतर मुक्ता की गुफा हमें मिलती है और उस गुफा में बैठकर स्वतः ही हमें बहुत सुंदर तपस्या के अनुभव होने लगते हैं। तो ये हम ध्यान दें कि अंतर मुक्ता की गुफा में ये साधन हमारे पास हमें जमा करना है। हर हालत में बुद्धि हमारी इधर उधर भटकती न रहे, क्योंकि द्वापर युग से लेकर हमने अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया हुआ है और भटकाते भटकाते थकाया भी है। बस कम से कम संगम युग पर जो है हमें शांति से एक ही ठिकाने पर बुद्धि को रखना है। आपने देखा होगा विदेशों में विशेष एक बात हमने अनुभव की है या देखी है, वहां बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। शॉपिंग सेंटर्स का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां अगर आप जाते हैं तो कोई भी चीज की आपको जरूरत है वो उसी एक ही स्थान से आपको प्राप्त होता है। और भारत में जो है अगर हमें 10 चीजें लेनी है तो कई स्थानों पर जाना पड़ता है, उसमें समय और शक्ति अच्छी तरह से हमारी वेस्ट होती है या यूज होती है। तो ऐसा ही किसी भी न किसी प्रकार की प्राप्तियों के लिए हमने अपनी भक्तियों को अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया है, लेकिन अभी वर्तमान समय सर्व प्राप्तियों का जो भंडार बाबा है उस प्राप्तियों के भंडार पर हमें बुद्धि को एकाग्र करना है और वहीं से सर्व प्राप्तियां हमें अनुभव करना है। इस प्रकार की अनुभूति हमें जरूर करना है, क्योंकि उसमें समय और शक्ति की बचत होती है। समय और शक्ति ये सबसे वैल्यूएबल चीज है। हमारे जो नंबर बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं कि हमें हरेक को विशेष समय और शक्ति हरेक पुरुषार्थी को बाबा ने दी है। तो जितना हम इन दोनों खजानों का बहुत इकोनॉमिकली यूज करते हैं उतने हमारे नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर इनका प्रयोग हम इकोनॉमिकली नहीं करते हैं तो हमारे नंबर घटते हैं, क्योंकि समय और शक्ति जो है ये बहुत वैल्यूएबल खजाने हमें बाबा ने दिए हैं और ये इकोनॉमिकली यूज करने के लिए विशेष हमें ध्यान देना है। बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती है तो समय भी हमारा वेस्ट होता है और एनर्जी भी हमारी वेस्ट होती है, उसके कारण ऑटोमेटिक हम पुरुषार्थ में पीछे हटने लगते हैं। अगर रेस में आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो सेंसिबल जो पुरुषार्थी है या महीन पुरुषार्थी जो है या बुद्धिमान पुरुषार्थी जो है वो इन दो खजानों का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करता है। कौन से दो खजाने? समय और शक्ति। और संगम का एक एक सेकंड जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि बाबा ने कहा है जितने भी खजाने हैं उन सभी खजानों से बढ़कर समय का खजाना सबसे वैल्यूएबल है। कैसे वैल्यूएबल है? जितने भी खजाने ज्ञान का, शक्तियों का वगैरह, जो भी गुणों का और समय का है, इन सभी खजाने से बढ़कर समय का खजाना वैल्यूएबल है। कैसा है वो आप सोचना जरा। बात चल रही थी समय का खजाना सबसे वैल्यूएबल खजाना है, क्योंकि समय के खजाने के आधार पर अन्य दूसरे खजाने पाए जाते हैं। समय का खजाना आधार होने के कारण सबसे वो वैल्यूएबल है, उसके आधार पर ही अन्य दूसरे खजाने पाए जाते हैं। इसलिए समय को हमें बहुत इकोनॉमिकली यूज करना है, लेकिन समय को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। एक एक पल में बाबा से, बाबा की याद से अनेक पद्मों की कमाई अगर हमें करनी है साधना के द्वारा, तो उसके लिए ये हम ध्यान जरूर दें, दिन प्रतिदिन हमारी एकाग्रता का अभ्यास बढ़ता रहे। क्योंकि एकाग्रता जितना जितना हमारा बढ़ता जाएगा अभ्यास, तो उतना उतना बुद्धि इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा बुद्धि का, तो स्वतः ही समय एक एक पल जो है बहुत अच्छी तरह से हम यूज कर सकेंगे। तो इस बात को हम अच्छी तरह से रियलाइज करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पुरुषार्थ के पास में अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ना है, इस मंजिल पर जाना है आगे अच्छी तरह से समय को व्यर्थ न गवाते हुए, तो हमारे पास में चार शक्तियों का होना जरूरी है।
हर पल हर घड़ी जो है अच्छी तरह से हमें इस रेस में आगे बढ़ना है, नंबर अच्छी तरह से आगे लेना है, सेंसिबल पुरुषार्थी बनकर, तो हर पल हमारे पास में चार शक्तियों का होना जरूरी है। सबसे पहले बात है महसूसता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। ये दो शक्तियां हर पल हमारे काम में आती हैं। जितना जितना हम हर एक बात को महसूस करते हैं उसी के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। जैसा जैसा परिवर्तन होने लगता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं। और इसके साथ में परख शक्ति और निर्णय शक्ति, हर सिचुएशन में परख शक्ति और निर्णय शक्ति, इन दोनों प्रयोग दोनों शक्तियों का प्रयोग हम करते हैं, जिसके कारण समय को हम व्यर्थ गंवाने से अच्छी तरह से वंचित रह सकते हैं। तो ये चारों शक्तियां हमारे पास में हर पल हर घड़ी जो है हाजिर रहे, मौजूद रहे, तो ऑटोमेटिक हम इस मार्ग पर अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद साधना में बहुत अच्छी तरह से गहन अनुभव अगर करना चाहते हैं उसके लिए हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है। कौन से बात का ध्यान देना है? हमारे पास में कुछ नहीं है, जैसे सुदामा के पास कुछ नहीं था, कुछ तो थोड़े से चावल मुठे थे वही उसने भगवान को दिए, कृष्ण को दिए। वैसे हम लोग फकीर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्वयं का शरीर ही हमारा कुछ हमारा नहीं है, तो हम लोग तो फकीर है ना। हमारे पास में सिर्फ छोटी सी पूंजी है, प्यार की पूंजी है। अपने पास में सिर्फ प्यार की छोटी सी पूंजी है, वो भगवान को हमें अर्पित करना है, भगवान की तरफ हमें ट्रांसफर करना है। तो उसके आधार पर हम स्वतः ही साधना के बहुत सुंदर गहन अनुभव कर सकते हैं। हर एक पुरुषार्थी को इस बात की बहुत अच्छी तरह से महसूसता करनी है कि मुझ आत्मा के पास में जो बहुत वैल्यूएबल पूंजी है वो है प्यार की पूंजी। अब प्यार का बंटवारा हमें किस तरह से करना है या नहीं करना है और किधर हमें ट्रांसफर करना है, ये थोड़ा सा सेंसिबल व्यक्ति जैसा होता है उसी अनुसार उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। क्योंकि जहां प्यार वहां तार, बुद्धि के स्वतः ही जुटने लगती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि प्यार का जो बंटवारा हमने कई रिश्तों नातों के पीछे किया है, संबंधों के पीछे किया है, उन सभी प्यार की मात्रा को या बंटवारे को बटोर कर हमें एक परमात्मा पर एकाग्र करना है। बहुत गहराई से एकाग्रता से हमें बैठना है एकांत में और ये चेक करना है कि बुद्धि मेरी कहीं जाती तो नहीं, बार बार अगर कहीं जाती है तो समझ लो किसी न किसी प्रकार से लगाव झुकाव या प्यार मेरा उधर ट्रांसफर हो रहा है, ऐसी महसूसता हमें आने लगती है। तो ये हम ध्यान दें एकांत में बैठकर, अगर कोई ऐसी बात है भी तो उसको किसी संबंध के पीछे अगर हमारी बुद्धि जाती भी है तो विशेष वो संबंध बाबा के साथ अनुभव करके वहां से बुद्धि को हटाना है, बाबा की तरफ उसको जुटाना है। अगर साधना में बहुत गहन अनुभव करना चाहते हैं तो इस बात पर हमारी गहराई से चेकिंग होना जरूरी है। तो प्यार जितने भी संबंध हमारे हैं, जहां जहां बुद्धि जाती है वहां से हटाकर हमें एक बाबा की तरफ ट्रांसफर करना है, इस बात पर बहुत गहराई से चेकिंग हमें करनी है। और जैसा जैसा इस बात में हम अग्रसर होते जाएंगे तो बुद्धि हमारी जो है बाबा की तरफ ही ट्रांसफर होती जाएगी, ऐसा हमें अनुभव होने लगेगा कि बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार है, प्यार के सागर है, उस प्यार के सागर के सानिध्य में मैं आत्मा हमेशा बैठी रहती हूँ और मुझ आत्मा पर इसी की अनवरत जो है प्यार की वर्षा हो रही है, ऐसी अनुभूति हमें होती रहेगी। गहन अनुभव अगर करने हैं, बहुत अच्छी तरह से गहन अनुभव करने हैं, तो जाके बाबा के पास में परम धाम में बैठकर जैसे कि ऐसा अनुभव करो कि आपके दिल में प्यार का झरना बह रहा है और बाबा की तरफ आप बहुत मस्ती से मिलन मना रहे हैं और बाबा से भी प्यार की वर्षा आपके तरफ हो रही है और आप प्यार के सागर में डूबे हुए हैं, लहरों में भी नहीं लेकिन प्यार के सागर में एकदम बॉटम में डूबे हुए हैं, उसमें खोए हुए हैं, एकदम
एक मात्र बाबा ही बाबा आपको नजर आ रहा है और बाबा ही बाबा के इसमें आप डूबे हुए। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो है, बाबा के बनने के बाद ब्राह्मण संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो हैं। कौन से हैं बोलो? हम बाबा के बच्चे सभी भाग्यशाली हैं, लेकिन ब्राह्मण संसार जितना भी 4-5 लाख का संसार है, उनमें से सबसे भाग्यशाली आत्माएं कौन सी कहलाएगी बोलो? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, जिन्हों को बाबा याद करता है। सबसे भाग्यशाली आत्माएं ब्राह्मण संसार में वो हैं जिन्हों को परमात्मा के नैनों का नूर बनकर रहने का, या परमात्मा के नैनों में समाकर जो रहते हैं, उनसे बढ़कर इस संसार में और कोई भी ऊंचा भाग्य नहीं है। सारे भाग्य उससे पीछे हैं, उससे पीके हैं। तो भगवान के नैनों का नूर बनकर रहना, ये सबसे ऊंचा भाग्य है। लेकिन वो भाग्य सिर्फ महान योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि महान योगी आत्माओं के बुद्धि रूपी नेत्र में परमात्मा नूर के समान हमेशा बसा हुआ रहता है। परमात्मा को वो अपना संसार बनाते हैं, उन्हों को परमात्मा के बजाय और कुछ नजर ही नहीं आता है, बुद्धि रूपी नेत्र में परमात्मा ही बसा हुआ रहता है। तो ये स्थिति जो है जिन आत्माओं की है, उन्हों को बहुत साधना के गहन अनुभव स्वतः ही होने लगते हैं। कि आपने कहानी सुनी भी होगी कई बार, कहानी छोटी सी कहानी है उसकी, नारायण की और हनुमान की कहानी सुनी है कभी? हाँ सुनी है? नहीं सुनी है? क्या हुआ कि वो दोनों परमा भगवान के बड़े अच्छे अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमी समझो तो है। नारद स्वयं को भी समझता है, हनुमान भी स्वयं को समझता है। तो उनकी आपस में थोड़ी सी ये हो गई अहम भाव से कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और वो कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ। फिर नारद जी भगवान के पास गए कि भगवान जी, आपके जो पास में लिस्ट जो है ना, सबसे अति प्रेमियों की, भक्तों की, उस लिस्ट में मेरा नाम कहाँ है? तो नारद भगवान ने कहा, इस डायरी में तो आपका नंबर पहला है। वो बड़े गर्व से हनुमान के पास गया कि देखो, इस डायरी में मेरा पहला नंबर है। तो हनुमान जी मुस्कुराते रहे। तो फिर उनको बोला, आप जाओ। हनुमान का तो नाम ही नहीं था उस डायरी में, जनरल डायरी जो टेबल पर पड़ी थी भगवान जी के। फिर हनुमान जी जब गए, भगवान जी मेरा नंबर कहाँ है? मैं तो आपका अनन्य प्रेमी हूँ। तो भगवान जी ने अपनी जेब से डायरी निकाली पर्सनल, और उसमें देखो हनुमान का पहला नंबर है, नारद जी का नाम ही नहीं। तो भगवान जी बोला कि जो मुझे याद करते हैं उसकी डायरी ये है, और जिन्हों को मैं याद करता हूं उसकी डायरी ये है, उसमें हनुमान जी का पहला नंबर है। भगवान जी जिन्हों को याद करते हैं उनके इसमें हनुमान जी का नंबर पहला है, क्योंकि हनुमान के रोम रोम में, रोम रोम में, जैसे कि राम का जपा जाप जो है, जैसे कि अनवरत चलता था, पल पल चलता था, रोम रोम में प्यार बसा हुआ था, रग रग में। नहीं, हनुमान जी को सीता का और हनुमान जी का थोड़ा आपस में डायलॉग भी हो गया। वो कहता है, हनुमान को कहता है, मैं सीता कहती है राम को कि राम तो मेरे इष्ट है, तो समय इसका पूरा पूरा मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। अमृत वेले का समय और शाम का समय जो बहुत अच्छी तरह से साधना में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, उसका पूरा पूरा लाभ लेना है, और उसमें योगाभ्यास के बहुत गहन अनुभव हमें करने हैं, अमृत वेले खास। लेकिन गहन अनुभव करने के लिए विशेष परमात्मा के साथ में हम जो मिलन मनाते हैं, उस मिलन में बहुत अच्छे अनुभव हुए और बहुत अच्छी तरह से उसमें हम खो जाएं, उसके लिए एक बात की प्रिपरेशन हमें करनी है। कौन सी प्रिपरेशन करनी है बोलो? भगवान के साथ में जो मिलन मना रहे हैं, उसका बहुत आनंद, परमानंद की अनुभूति हमें होती रहे, उसके लिए एक बात का हम ध्यान दें। मिलन मनाते समय हमारी मन और बुद्धि जो है, ईश्वरीय नशे से और खुशी से भरपूर हो।
एकदम मन बुद्धि खुशी से लबालब होती है, भरपूर होती है, ओतप्रोत होती है, तो उस मिलन का आनंद कुछ और ही होगा, उसका मजा ही कुछ और ही होगा। साधना का योगाभ्यास में बहुत मस्ती के अनुभव होंगे। इसलिए अमृत वेले जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले पावरफुल डोज ईश्वरी नशे का हम दें। उससे कारण क्या होता है कि मन बुद्धि जो है हमारी हल्की हो जाती है, खुशी से भरपूर हो जाती है, और हल्की चीज जो है ऑटोमेटिक ऊपर जाती है, तो मन बुद्धि हमारी परम धाम की ओर सुत ही जाने लगती है, बाबा के पास में बैठने लगती है, और बाबा का साथ का अनुभव बहुत अच्छी तरह से करने लगती है। इसलिए ईश्वरीय नशे का परसेंटेज भी इस वर्ष हमारा धीरे धीरे हमें बढ़ाते ही रहना है, अगर साधना की गहराइयों में अगर जाना है तो ईश्वरीय नशे का परसेंटेज वो बढ़ाते जाना। और विशेष ईश्वरीय नशे का परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति को हम बनाएं, कौन सी युक्ति को हम अपनाएं? हम चाहते हैं ये जो वर्ष है बाबा ने हमें दिया है पुरुषार्थ का, मेहनत मुक्त वर्ष जो है, जिसको मौज का युग, मौजों का वर्ष अनुभव करना है, उसके लिए क्या युक्ति अपनाएं? सारा वर्ष बाबा कहते हैं मेहनत मुक्त वर्ष अनुभव करना है, लेकिन साथ साथ मौजों का भी युग अनुभव करना है ये वर्ष, तो उसके लिए बड़े ठाट से हमेशा सुमान का सिंहासन जो बाबा ने हमें दिया है, उस सुमान के सिंहासन पर आप बैठे रहेंगे तो सारे दिन भर में आपको ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है। भगवान के द्वारा मुझे मिली हुई सुमान का जो सिंहासन है, सीट जो मिली है, उस पर बड़े मस्ती से आप बैठे रही हैं, खुद को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देते रही हैं, मान देते रही हैं, तो आपकी स्थिति जो है बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। क्योंकि क्या हुआ है कि हम ईश्वरीय नशे को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम बढ़ा नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं। थोड़ी सफलता जरूर मिलती है लेकिन जितनी चाहते हैं उतनी हमें नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? बोलो क्या कारण है? इसका बहुत सूक्ष्म कारण एक है। कौन सा कारण है? 2500 साल तक हम माया की जेल में रहे हैं, और उस जो हीरो एक्टर सत्ययुग त्रेतायुग के महान एक्टर, और उन्हों को माया जेल में डाले 1 वर्ष के लिए नहीं, 2500 साल तक वो जेल में रहे, उनका जो इतना सामान जो है उसको ठेस लगती है, उसको बहुत मार पड़ता है, उसके कारण हीनता का भाव जो है उनके रग रग में जैसे कि बट बैठता है। और हीन भावना रग रग में बैठने से, पक्की होने से, सामान में टिकना चाहें, ईश्वरीय नशे में टिकना चाहें, तो भी हम टिकना बड़ी मुश्किल से टिक पाते हैं। इसलिए हम ये ध्यान दें कि वर्तमान समय जो बाबा ने संगम युग पर जो सीट दिए हैं, उस सीट से एक पल के लिए भी हम नीचे नहीं आए। सीट पर अगर हमें सेठ बनना है, सेठ होते हैं ना, इस मार्ग पर सेठ बनना है, अर्थात खजानों से संपन्न बनना है, तो ये सीट जो हमें दी है उस सीट पर, सामान के सीट पर सदा सेठ रहे, तो ऑटोमेटिक खजानों से संपन्न आप सेठ बनते हैं। ये हमें खास ध्यान देना है, कैसी भी परिस्थिति आती है, कैसी भी व्यक्ति आती है, समस्या आती है, हमें ईश्वरीय नशे को कम होने नहीं देना है, ईश्वरीय नशे को बल्कि बढ़ाते ही जाना है, पावरफुल रीति से अमृत वेले से ही बढ़ाते जाना है, और खुशी और नशे को ऑटोमेटिक अनुभव करते जाना है, क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं बहुत रॉयल संस्कारों को धारण करने के लिए। क्यों आए हम बाबा के पास में? रॉयल और नोबल संस्कार, रियल संस्कारों को धारण करने के लिए आए हैं, और वो संस्कार धारण तभी हो सकेंगे जब हमें ऐसा रॉयल नशा सारे दिन भर में रहेगा, बहुत मस्ती का कुमारी हमेशा रहेगी, उसी समय हमारे ऐसे रॉयल संस्कार जीवन में पनपते जाएंगे। तो राजा बनना है, महाराजा बनना है, बहुत ऊंचा स्टेटस प्राप्त करना है, तो उसके लिए गुप्त हमें मेहनत यही करना है कि ईश्वरीय नशे को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। राजा कौन बनता है, महाराजा कौन बनता है? चेहरे पर ईश्वरीय नशे का जो थर्मामीटर है ना, स्थिति में जो थर्मामीटर है वो चेहरा स्पष्ट दिखाता है थर्मामीटर, ये आत्मा महाराजा बनने वाली है या राजा बनने वाली है या साधारण बनने वाली है। तो गुप्त ही गुप्त हमें ये अभ्यास करना है, ईश्वरीय नशे को इस वर्ष बढ़ाते जाना है, प्यार के परसेंटेज को भी अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है,
और कितना भी बिजी क्यों ना हो, हम हरे बाबा के सेवा में बिजी हैं। जितने अभी बिजी है उससे 50 गुना और भी बिजी हो जाएंगे। लेकिन कितना भी बिजी होते हुए भी हमें सारे दिन भर में थोड़े समय के लिए एकांत वासी बनकर जरूर रहना है। जब तक एकांत वासी एकांत प्रिय नहीं हम रहते हैं, तब तक साधना के गहन हमें अनुभव नहीं हो सकते हैं। एकांत वासी बनकर जरूर रहना है, चाहे 15-20 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए। उसमें क्या होता है कि अंदर की गहराई की जो चेकिंग हम करते हैं, बहुत गहराई में जब उतर के हमारी स्थिति को देखते हैं, तो हमारी कोई छोटी सी कमी खामी कोई त्रुटि ऐसी होती है वो नजर आने लगती है, उसको हम मिटाने का या निकालने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। तो ये एकांत वासी बनने का ये भी एक लाभ होता है। और वैसे जो है बाबा के साथ में हमारी बुद्धि रूपी तार जो है एक तक जुटी रहे, उसका आनंद लेते रहे, तो उसके लिए एकांत का अभ्यास बढ़ाने का जरूरी है। तो साधना के उच्च स्तरीय अनुभव करने के लिए विशेष इन बातों का अभ्यास में जरूर करना है, क्योंकि तो इस वर्ष को बाबा ने साधना वर्ष के रीति से घोषित किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा गृह राज है। क्योंकि आने वाला जो बहुत गंभीर समय होगा, बहुत नाजुक समय होगा, अगर आप सचमुच चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि समय पुरुषार्थ के लिए अभी बहुत थोड़ा बाकी, बहुत थोड़ा, ऐसा अंदर से पिंच होता है या फील होता है कि समय बहुत थोड़ा बाकी है पुरुषार्थ के लिए। और अभी तो ऐसा कहीं कहते हैं ना कि भगवान सबको मैसेज दो कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। अभी मैसेज देना है, भगवान आया था, अभी जाने की तैयारी में है। आया था 50-60 साल तक उसने पालना दिया, अभी वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। माना बिना समीप है, और ऐसे ही हमें अनुभूति होती रहे तो ऑटोमेटिक साधना के जो कदम है हमारे बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाए। क्योंकि बाबा जाने जाननहार हैं, जैसे वो हम जैसे वर्तमान समय स्पष्ट देखते हैं, बाबा भविष्य भी स्पष्ट देखते हैं। तो मेरे बच्चों का कल्याण इसी में है, जिन्हों के पास में योग बल होगा उन्हों का ही बोल बाला आगे चलकर होगा। जिन बच्चों के पास में साधना के द्वारा सिद्धि या प्राप्त किया है या योग बल प्राप्त किया हुआ है, उन्हों को ही बेहद सेवा के चांस मिलेंगे, उन्हों का ही बोलबाला चारों तरफ होगा। वो समय बहुत समीप है, उन्हों को ही बेहद सेवा के चांसेस मिलेंगे। वो समय आने के पहले हमारे पास में साधन वो होना जरूरी है, ये साधन। क्योंकि आपने देखा होगा एकाधे शहर शहर में कोई डॉक्टर होता है, उसमें विदेश का कोई साधन लाते हैं, उसके पास में क्यू लगी रहती है। तो ऐसे ही जो है भविष्य में जिनों के पास में मनसा सेवा का साधन होगा, अखंड साधना के द्वारा बेहद सेवा का साधन होगा, उन्हों के पास में ही क्यों लगी रहेगी। अनेक भगत जो आत्माएं पेशेंट जो है माया के, उन्हों के पास होंगे, तो उस समय जो है बहुत तेजी से उनको इनकम जमा करने का या अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने का गोल्डन चांस मिलेगा। वो चांस लेकर चांसलर बनते जाएंगे, वो अपना और सभी का भला करते जाएंगे। इसलिए साधना के द्वारा ये बेहद सेवा का साधन हमें जरूर जमा करना है, ये इस बात को हमें रियलाइज करना है। क्योंकि आगे चलकर मनसा ही सेवा का ही बोल वाला चारों तरफ होगा। जब सारे संसार में कसम कसा का समय होगा, जब बहुत टाइट वातावरण हो जाएगा, उस समय घर बैठे हुए ही हमें दूर बैठे हुए आत्माओं को मनसा के द्वारा सेवा करनी पड़ेगी, शांति शक्ति का दान देना होगा। इसलिए साधना के द्वारा इन दोनों खजानों की, शांति शक्ति की विशेष हमें इकट्ठा करना है, और उसके आधार से हमें सेवा में हाथ भी बटाना है। और ऐसे जो सेवा में हाथ बटाते जाएंगे, ऐसे महान योगी आत्माओं को, अनन्य बच्चों पर भगवान भी जैसे कि खुश होकर उन पर भी विशेष वरदानों की वर्षा भी करते जाएंगे, और दिल मन ही मन हर्षाते रहेंगे। इसमें हमें खास ध्यान देना है कि इस वर्ष में अखंड साधना के द्वारा वैराग्य वृत्ति की अनुभूति तो हमें जरूर हो कि मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे कि अंतिम श्वासोच्छ्वास पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो ऐसा चारों तरफ उसके संबंधी होते हैं, लेकिन वो होते हुए भी कहता है मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है।
क्यों नहीं है कि मैं अंतिम सांसों गिनती कर रहा हूँ, मेरा यहाँ कुछ नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। तो जैसी उसकी स्थिति है वैसी स्थिति हमें अनुभव करना है कि भले संबंधी इधर उधर हमारे हैं, लौकिक अलौकिक में रिश्ते नाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा एक बाबा है और बाबा ही मेरा सब कुछ है, संसार है। उसकी अनुभूति को हम बढ़ाते जाएं तो जो बाबा की आशाएं हैं हम आशाओं के दीपकों से वो पूरी करते जाएंगे और बाबा के सेवा में हाथ बताने में सफल होंगे।